मुझे पता है कि तुम्हारी दीदी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। मगर यार तुम भी सुन, मेरी बात को समझो यार। पता है मैं भी ना बहुत ही प्यार करता हूँ तुम्हारी दीदी से। हेलो दोस्तों, मैं दैस खान। दोस्तों आज जो मेरे साथ ये लोग बैठे हैं, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं। दोस्तों ये लोग भाई बहन हैं, इनका नाम अंजलि है। और ये जो हालात में आप देख रहे हो इनको, मतलब इनकी प्रॉब्लम ये नहीं है दोस्तों कि इनका भाई इस सिचुएशन में है, ये तो भगवान का दिया हुआ है जो भी है। क्या बात है अंजलि, और जो भी चीज़ है सारा चीज़ एक बार बता दो ताकि मैं ऑडियंस। और देखो रो मत, ठीक है, मुझे पता है कि आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आप कुछ गलत नहीं सोच रही हो। ये ना मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। हमारे साथ ना कुछ हादसा हो गया था, तो हम मेरे माँ बाप की भी डेथ हो गई, कोई नहीं है इस दुनिया में, हम दोनों अकेले हैं बिल्कुल ही। और उस हालात की वजह से इस मेरे भाई की ऐसी हालत हो गई है बिल्कुल कि ना कुछ कर सकता है, कुछ भी ऐसे ही रहता है घर में। मैं ही इधर उधर काम करके थोड़ा पैसा वैसा कमा के घर में खर्चा चलाती हूँ। और आपको पता है एक लड़की का दुनिया में होना बिना माँ बाप के कितना बड़ा पाप है। बिल्कुल सब उसको क्या क्या बोलते हैं, कितने गलत गलत बातें करते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ दुनिया के लोग बात सुन सुन के। अब इनको अब देखो ये ऐसी हालत में, मैं क्या करूँ, दुनिया वाले इतना कुछ बोलते हैं, मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकती। और ऊपर से फिर एक मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है आकाश नाम का, वो भी मेरे को थोड़ा टॉर्चर करता है, मैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे को वो इतना टॉर्चर करता है, मेरे को बोलता है मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ये वो। आप बताइए मैं अपने भाई को छोड़ के किसी से कैसे शादी कर लूँ। वो बोलते हैं शादी कर ले, तेरा भी सहारा हो जाएगा कोई, ये वो। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ आता कुछ भी। अपने भाई को तो नहीं छोड़ सकती ना ऐसे में, जिसको मैंने संभाला है, इसका सब कुछ मैं ही करती हूँ, जैसे बच्चे को पालते हैं ना बिल्कुल इसका ऐसे ध्यान रखती हूँ मैं। आप बताओ मैं क्या करूँ। कुछ नहीं हुआ, चुप हो जा, चुप हो जा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, चुप हो जा भाई प्लीज। चुप हो जा। देखो ये ऐसे मैं ऐसे बात करती हूँ तो ऐसे रोने लगता है, मैं क्या करूँ। ऐसा मन करता है मर जाऊँ इस दुनिया से, बट मैं भाई को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मेरे को नहीं पता वो लड़का कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन वो मेरे को ऐसे बोलता है बार बार, तो कहीं कहीं लगता क्या भी बोलता है, मतलब वो क्या मेरे को है, बोलता है कि गलत मेरे को यही चीज़ तो खुद समझ नहीं आता कि वो गलत इंटेंशन से बोलता है या सही। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ के लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बारे में जानूँ, अगर मैं भी ऐसे दुनिया में नहीं रह सकती अकेले, दुनिया इतना इतना गलत बोलती है मेरे को बहुत कुछ, मैं बस अपने भाई के लिए जिंदा उस दुनिया में, वरना मैं मर जाना चाहती हूँ। वो बोलते हैं मेरे से शादी कर ले, अब मेरे को नहीं पता कि मैं उसके ऊपर कैसे विश्वास कर लूँ इतनी जल्दी कि मैं उससे शादी कर लूँ। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में, प्लीज़ आप एक छोटी सी वीडियो बना के मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। आप ना अंजलि जी एक काम कीजिए, उस लड़का का नंबर होगा आपके पास, हाँ। आप ना एक बार फ़ोन करके उसे यहाँ बुला लो, और अगर यहाँ पे आ जाता है तो देन मैं देखता हूँ सारा चीज़ बात करके। हेलो आकाश। हाँ अंजलि बोलो। हाँ कहाँ हो आप? अभी तो मैं हूँ एक जगह आया हूँ काम से, बताऊँ? अच्छा, मेरे को ना आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो आप पार्क है यहाँ पे आ सकते हो प्लीज अभी? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ कब आना है। अभी आ जाओ, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ आपका प्लीज। ठीक है ठीक है, तुम मुझे 10 मिनट का टाइम दो, मैं पहुँच जाता हूँ। एक काम करो, तुम मुझे लोकेशन शेयर कर दो। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आने के लिए आने दीजिए, तो अब क्लियर हो जाएगा। अब हाँ यहाँ से आगे आ जाओ, अब दिख गए मेरे को। कैसी हो? चलो मैं अच्छी हूँ, बस बढ़िया। मैं भी, चलो बैठ जाओ। और घर पे सब कैसे हैं आपके? सभी बढ़िया हैं, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। और कैसे हो भाई? हीरो ठीक है बस।
ठीक है, था वैसे ही है। और बताओ अचानक से यहाँ पार्क में कैसे बुला लिया? मैंने सोचा कि बहुत दिनों से घर में थे हम लोग, तो घुमाने ले आई, बाहर आके थोड़ा अच्छा लगता। नहीं नहीं सही है, बहुत बढ़िया। पार्क में आओगे तो इसको ठंडी हवा लगेगी, यहाँ की अच्छी हवा लगेगी तो बढ़िया रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा इसका। निकलते नहीं है कुछ लोगों की वजह से ना घर से बाहर थोड़ा। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को। जॉब कैसी चल रही है आपकी? जॉब बहुत ही बढ़िया चल रही है। अच्छी बात है, बढ़िया चलनी चाहिए। बताओ क्या कहना है? कुछ नहीं, मेरे को कुछ बात करनी थी आपसे, इसलिए मैंने आपको बुलाया था, बट समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, क्या तुम भी समझ नहीं आ रहा मेरे को, बहुत डिस्टर्ब हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल तुम खुल के बोलो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है तुम्हें, बताओ, मैं हूँ ना, मुझसे तो शेयर कर ही सकती हो। बात करो, मेरे को वॉशरूम जाके आती हूँ, ठीक है ना? अच्छा बोलो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जाओ। और हीरो भाई सुनना यार, मुझे ना तेरे से एक बात करनी है भाई। मुझे पता है कि तुम्हारी दीदी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, मगर यार तुम भी सुन मेरी बात को समझो यार। पता है मैं भी ना बहुत ही प्यार करता हूँ तुम्हारी दीदी से, बस किसी तरीके से भी यार भाई तुम इतना काम करवा दे मेरा बस, ठीक है? मैं तुम्हें भी और तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, मुझे पता है कि तुम्हारी दीदी तुमसे बहुत ही प्यार करती है, मैं उससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करूँगा, मैं दोनों को देखने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? अच्छा सुन, अगर ना मेरी मैंने कई बार तुम्हारी दीदी को प्रपोज़ किया, ठीक है, बट तुम्हारी दीदी ने मेरी बात को नहीं समझी, वो मना कर दी, ठीक है? बट यार मुझे लगता है यार कि यार बस किसी तरीके से भी एक बार बस वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, फिर मैं बहुत खुश रहूँगा, तुम्हें भी, तुम्हारी दीदी को भी, तुम्हारा भी ख्याल रखना। अच्छा सुनना भाई, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है, अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया ना, तेरे लिए भी लड़की ढूंढ दूंगा, तेरे लिए भी शादी कर दूंगा, है बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगा तेरे लिए, ठीक है? बैठी बता रहे, बैठी आराम से बैठी, बैठो नहीं आप बैठो, आप बैठो। ये दरअसल ना घबरा रही थी आपसे बात करने में, और इनकी घबराहट का परेशानी कहीं ना कहीं आपको पता है। मेरा नाम दानिश है जी। और वहाँ पे एक बार देखिए, वहाँ पे कैमरा लगा है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, लोगों की कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम होता है मैं देखता हूँ। बात क्या है आज की, जो आपने प्रपोज़ किया था, हाँ, इन्होंने बोला कि मुझे टाइम चाहिए, डर पता है किस बात का था जी? ये घबरा रही थी कि पता नहीं इसका क्या होगा, मतलब ये अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहती है, भाई के साथ रहना चाहती है, डर रही है कि आप किस टाइप के लड़का हो, क्या सोच के लड़का हो। और बुरा मत मानिएगा, मैं एक चीज़ दिखा दूँ, आपने जो भी कुछ किया है साफ दिल से किया है, वो सारा चीज़ रिकॉर्ड हुआ है इस माइक में, उस कैमरा में सारा चीज़ रिकॉर्ड हुआ है। बस इसी चीज़ के लिए ये बोल रही थी कि मैं मेरे को आपके बारे में जानना था, आप कैसे हो, कैसे नहीं, ताकि मैं सोच पाऊँ। इसका इंटेंशन आपका देखना था कि होता है भाई आकाश की, हर लड़की को कहीं ना कहीं घबराहट होता है जब उस लड़की के घर में, खासकर जब कोई इंसान ना हो, आपको पता ही इनके बारे में कि समझाने वाला है ना, समझने वाला है, इसलिए मेरे को बहुत कन्फ्यूज थी तुम्हें समझने में। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, फिर भी इसको टाइम की ज़रूरत होती है, मैंने तुम्हें इसीलिए पहले कहा था कि तुम अच्छे से सोच लो, समझ लो, तुम्हें जब लगे मुझ पर ट्रस्ट हो तभी तुम। थोड़ा ट्रस्ट हुआ था इसलिए शायद बात करने के लिए बुलाया था, कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा, मैं यही चाह रहा था। और जो चीज़ आपने बोला है, जो चीज़ भी हुआ है, सारा चीज़ रिकॉर्ड हुआ है। दानिश भैया ने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन सोच के लिए भाई देखिए ये चीज़ ना, एक डर रहता है हर लड़की के अंदर कि पता नहीं मेरा हम सफ़र कैसा मिलेगा, किस इंटेंशन का होगा, किस ख्यालात का होगा, बस इसी कारण से ये सोच रही थी थोड़ा सा बात करूं थोड़ा सा आपसे। तो क्या आप बता सकते हो कि आप जो प्रपोज़ किए हो, आपको पता नहीं है ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये तकरीबन 10-20 लाख लोगों के बीच में जाने वाला है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज़ को, तुम इसे प्रपोज आज इसके सामने लोगों के सामने एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बताओ सारा चीज़ पहले। बिल्कुल भैया, 10 लाख लोगों की बात हो रही है, अगर यहाँ पे आज करोड़ों लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं तो
फिर भी मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँ। इसका यही था इसके अंदर की पता नहीं इसके साथ क्या होगा। बिल्कुल मैं इसकी बात को समझ सकता हूँ, हर किसी को डर होता है, ठीक है मैं इसको समझ सकता हूँ। तुम रो क्यों रही हो हैं? तुम पहले चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। तुम्हें बस यही टेंशन है, भाई की टेंशन है ना। मैं हूँ तू, जितना तुम भाई से प्यार करती हो ना, इसके दो गुना तीन गुना मैं इससे प्यार करूँगा। मैं बहुत ही ख्याल रखूँगा इसका। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हर मोड़ पर खड़ा हूँ। और घर वाले से बात बात हुआ है कुछ या फिर बस यूँ ही हवाबाजी है? भैया हवाबाजी नहीं है, घर वालों से बात हुआ है। मैंने ऑलरेडी पापा से भी बात की है, मम्मी से भी बात की है। मम्मी तो मेरी कन्विंस है, बट पापा की तरफ से थोड़ी ना है, बट कोई इशू नहीं है। मैं पापा को देखो इनका ना सच बताया, ये जैसे सारी चीज़ बताई, इस लड़का के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल भैया मैं जानता हूँ, बहुत इसी बात का डर है बस। तुम डरो मत बिल्कुल भी। यहाँ आने से पहले वो आपसे मिलने से पहले वो सोच रही थी पता नहीं किस टाइप का लड़का होगा, किस सोच का लड़का होगा। और सच बताऊँ तो जो आपने अकेले में जो इसके साथ एक्टिविटी किया ना, सारा चीज़ हम लोगों ने सुना देखा। सॉरी ये सब टेस्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, ये टेस्ट के लिए था। बहुत बहुत थैंक यू सो मच दानिश भैया। ये वीडियो तो आपने मेरे लिए बनाई थी ना, मेरे को चेक करने के लिए कि मैं कैसा बिहेवियर है मेरा नहीं है, ठीक है। बट भैया आप माने चाहे ना माने, इस वीडियो के थ्रू आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। नहीं नहीं हेल्प की बात नहीं है, आप नहीं होते हो ना तो शायद आज मैं। आपसे भी थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे को समझने का मौका मिला। बिल्कुल यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल भैया आप नहीं होते तो शायद आज लाइफ में बहुत कंफ्यूज थी, अब लग रहा है जिंदगी में कुछ पल की खुशी। घर वाले से बात कर लो, ठीक है? बिल्कुल। और सारा चीज़ जब क्लियर हो जाए तो देना परमिशन देना, मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपने चैनल पर। बिल्कुल भैया आप वीडियो को डालो अपने चैनल पे, अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है।